हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सेमेस्टर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब 11th में पढ़ के आ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है भाई? केमिकल बॉन्डिंग तो हम कह सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग जो है किसे बोलते हैं? जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम जो है, ठीक है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं व्हेन टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो है इसमें हम थ्री टाइप्स के जो है बॉन्ड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्ड्स, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। ये तीन तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो यूनिट है, उसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो पहले जो है हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो आपके हैं, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए विबिटी जो अप्रोच आई थी, विबिटी थ्योरम जो आया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर आपके विबिटी अप्रोच के अंदर फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दे रखा है, हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। देन उसके बाद में VSEPR जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बता रखा है थोड़ा सा, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। ये मेजरली जो टॉपिक है वो आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग में आने वाले हैं। ये आपके जो सिलेबस है उसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो आयनिक बॉन्डिंग है, सेकंड पार्ट जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो है जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। क्या होती है भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? ये हमने क्या बना लिए आपके एक एटम, ये आ गया आपके दूसरा एटम। ठीक है, क्या होता है बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे भी क्या होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, सराउंडिंग घूम रहा है इसके। तो जब हम कह रहे हैं कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन ए मॉलिक्यूल, इट इज फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होता है तब क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो ये जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जैसे H2 मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भी शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए केमिकल बॉन्ड जो है उसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी है वो आपके किसने की थी, लिवाइस, जीएन लिवाइस ने सजेस्ट किया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। और क्या बताया भी इसने, और इसने बताया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसने बस इतना बता दिया कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एक जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के पास में क्या है, होना चाहिए। दूसरी चीज इसने क्या बताई कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो जो एटम्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ईच एटम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नियर बाय हो जाता है किसके, इनर्ट गैसेस के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियर बाय इनर्ट गैसेस। जैसे कि हमने पढ़ा रखा है एक बार पहले कि लुईस जो है या ऑक्टेट रूल जो है वो आपने सबने पढ़ा हुआ है, तो ऑक्टेट रूल के अंदर क्या कहते हैं, किसी भी एटम के आउटर शेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो या हम क्या कह सकते हैं, या तो 2 या फिर 8 और या फिर 8, और अगर इनर्ट जो है गैसेस की हम बात करें तो 18 और क्या हो सकता है 32 और 56, ये अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है ना, तो लगभग हमारे पास जो एटम है उसके आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए कोवेलेंट जो बॉन्ड है इसका क्लासिफिकेशन जो है वो 2 पार्ट्स में कर दिया गया है, एक होता है आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई 2 एटम्स जो है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2 एटम्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी formed polar covalent bond। Examples जैसे HF आ गया, NH3 आ गया, H2O आ गया। देखिए हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑलमोस्ट कितनी होती है भाई, 2.2 के आसपास। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 4 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, है ना, ज्यादा भी नहीं है तो थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं अगर हम नॉन पोलर कोवेलेंट की बात करें तो जब हम कह रहे हैं कि 2 एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2 एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसमें H2, N2, O2 एटसेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई,
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के। अब देखिए ये तो सिर्फ जनरल बात हो गई, ठीक है ना। जो मेन हमारा टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब देखते हुए क्या हुआ कि कुछ जो है कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न थ्योरीज आई थी, ठीक है ना। तो मॉडर्न थ्योरीज टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड। भाई कोवलेंट बॉन्ड जो है कैसे बना है, इसके लिए क्या क्या थ्योरीज आई है, वो सबके अलग अलग मत होते हैं, ठीक है ना। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टोटल जो है अपने पास में कितनी थ्योरीज आई थी जिसने कोवलेंट के बारे में अलग अलग जो है बताया था। तो फर्स्ट जो थ्योरी है वो हो गई आपके VBT थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। फिर इसमें कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशन या कमियां रह गई होगी, तभी दूसरी थ्योरी आई MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो ये आ गई आपके दो जो है वो इंपॉर्टेंट थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपके सेकंड यूनिट में है, वहां पे एक्सप्लेन की हुई है। पूरी का पूरा जो सेकंड यूनिट है वो MOT के ऊपर बेस्ड है, और फर्स्ट यूनिट में जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था VBT, और इसके बारे में बता रखा है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, VBT के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भाई किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले उसके साइंटिस्ट के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। साइंटिस्ट के बायोग्राफी के बारे में नहीं पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इवन ये भी मैटर नहीं करता कि जो इसके अंदर है, इसकी डिस्कवरी कब हुई है, कौन से ईयर में हुई है, ठीक है ना। तो या हम फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई कौन से ईयर के अंदर इसके डिस्कवरी हुई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो 1927 के अंदर सबसे पहले किसके द्वारा बताई गई, हाइटलर एंड लंदन के, ठीक है ना। बड़े अजीब नाम है हिटलर और लंदन, ठीक है ना। तो आराम से याद रह सकते हैं 1927 में क्या हुआ, हिटलर और लंदन जो है इन्होंने ये थ्योरी बताई थी। लेटर इन 1930, ठीक है, 1930 में फिर इसमें कुछ जो है थोड़ा बहुत एडिशन किया था, वो किसने किया था, पॉलिंग और Schlatter। जैसे कि बता दें कि इन्होंने क्या बताया कि भी कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना, उसके बारे में जनरल जो है वो चीजें बता दी। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अलावा जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर जो डायरेक्शनल कैरेक्टर्स, दूसरा रेजोनेंस, और उनकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए VSEPR का जो कॉन्सेप्ट है वो सब किसने बता दिया, पॉलिंग और शेल्टन। कुछ ना कुछ इसने जो ये बताया है हिटलर और लंदन ने, उसी के अंदर इसने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट किया था। ओके, तो यहाँ हम शुरुआत में देख लेते हैं कि फर्स्ट जो है VBT के जो है एजम्पशन क्या क्या रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं The main assumption of VBT, ठीक है ना। टोटल 7 पॉइंट है जिसके अंदर हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे कि इसके जो 7 assumption है वो कौन कौन से रह चुके हैं। सिर्फ 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट के अंदर हम इसको सारा डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो आ गया आपके, इसने क्या बताया, ओनली दोज, ओनली शॉर्ट में लिख देते हैं, नोट्स में बता देंगे आपको, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर
पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इसने क्या बताया कि केवल और केवल वैलेंस सेल या कह सकते हैं बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही क्या करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि भाई जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बताया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप एंड फॉर्म्ड बॉन्ड। ठीक है, क्या बताया कि दोनों जो भी हमारे पास एटम है मॉलिक्यूल के दोनों एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दोनों क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद में इसमें क्या बनता है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो ही उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी ये कह सकते हैं ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा है बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपके एनर्जी ऑफ बोथ इंटरैक्टिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल। जो दोनों एटम है जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उन ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं थर्ड पॉइंट आ गया आपके एनर्जी से रिलेटेड आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तब हम क्या करेंगे उस ग्राउंड स्टेट को क्या कर देंगे एक्साइट कर देंगे। ठीक है, तो यहां व्हेन अनपेड इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट इन ग्राउंड स्टेट इन ग्राउंड स्टेट द एटम विल बी एक्साइटेड एंड एंड फॉर्म्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे ये आ गए आपके s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल अभी भी क्या है
खाली है, तो यहाँ अगर इसको एक्साइट कर देते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट लिखी जाती है तो वहां पे स्टार लिख दिया जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा भाई, इस ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपके क्या आ जाएंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। तो ये कार्बन की कौन सी स्टेट हो गई भाई, ग्राउंड स्टेट, और ये जो स्टेट है वो आपके कौन सी स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करते वक्त अगर कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एनर्जी देकर उसको क्या किया जा सकता है, एक्साइट किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या बताता है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दो चीजें होती है, एक तो एटम होता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एटम जो है वो तो अपनी जो हम क्या कह सकते हैं आइडेंटिटी जैसी है वैसी रखता है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि एच जो है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी पूरी रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो यहां से दो पॉइंट और बनते हैं, व्हेन, या लिख सकते हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स, एटम्स रिटेन्स आइडेंटिटी। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, सिक्स नंबर, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज। ठीक है, लास्ट अजम्पशन क्या रहा कि एक्सचेंज एनर्जी जो है, ठीक है ना, तो वो जनरेट होती है कब, जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे ये एक्सचेंज हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से कहां चला गया, पी के अंदर, तो यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज एनर्जी। तो यहां लिख सकते हैं एक्सचेंज एनर्जी इज जनरेटेड बाय व्हेन जनरेटेड व्हेन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या जनरेट हो जाएगी भाई, एक्सचेंज एनर्जी। ओके, इसको किससे लिखते हैं, ई और ई एक्स, ये आ जाएगी आपके एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया भाई, चलो आगे। ये तो बात हो गई किसके, अजम्पशन की, भाई वीबीटी के जो अजम्पशन थे या उसने क्या क्या सजेशन दिए थे वो सेवन पॉइंट्स के अंदर हमने लिख लिया। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इसने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, तो इसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बताया। ठीक है, तो यहां लिख लो, यहां लिख सकते हैं एक्सप्लेन बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसने जो है सबसे सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उससे इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे इसके अंदर जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास दो एटम हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोल दिया भाई, एच ए, और इसको हम क्या बोल देंगे,
एच बी, क्योंकि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो दो हाइड्रोजन एटम है, एक को इसने ए दे दिया नाम और दूसरे को क्या दे दिया, बी नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या दे देंगे, नंबर वन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बी के पास में उसको हम क्या दे देंगे, नंबर टू। और इसी के लिए जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एच ए के लिए तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई ए, और एच बी के लिए जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साई बी। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो तरह की जो है वो इंटरेक्शन होती है, दो तरह का जो फोर्स है वो लगता है। तो फोर्स जो कौन कौन से लग सकते हैं, एक तो लग रहा है यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा लग रहा है रिपल्शन फोर्स, ठीक है। किसके बीच में लगता है अभी अट्रैक्शन फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, जब कोई दो सिमिलर चीजें होती है तब कौन सा फोर्स लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है कि जब अगर सिमिलर चीजें हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, तो उनके बीच में जब फोर्स लगता है तो कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्शन फोर्स लगता है। वहीं अगर दोनों जो हैं हम क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस या पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल या फिर आयंस जब अलग अलग हों तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में लगेगा, इजीली समझना, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो किसका हो गया, एच ए का, और ये वाला न्यूक्लियस किसका हो गया, एच बी का। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, रिपल्शन फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, क्यों रहे इसमें, चलो कोई बात नहीं इसी से कर देते। ये आपके दो फोर्स लिखे हैं मैंने, एक यहां लगा है और एक इसको लिखा है, ये आपके कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यहां पे भी फोर्स कौन सा लग रहा है, रिपल्शन, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एफ आर, कौन सा लग जाएगा, एफ आर, और अब इसके बीच में कौन सा फोर्स लग जाएगा, दोनों के बीच में एफ ए। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एफ आर फोर्स लग गया, और इनके बीच में क्या लग गया, एफ ए। तो एफ ए हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, और एफ आर हो जाएगा रिपल्शन फोर्स, ओके। अगर लिखना चाहें यहां तो देख सकते हैं, एच ए न्यूक्लियस और किसके बीच में, एच बी के न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स कहां लग रहा है, एच ए के नंबर वन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एच बी के जो नंबरिंग हमने दी थी टू नंबर इलेक्ट्रॉन, ये लग गया आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब रिपल्शन फोर्स जो है वो किसके बीच में लग रहा है, अच्छा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आपके, ये बात कर ली थी हमने रिपल्शन फोर्स की, तो ये लग गया आपके रिपल्शन फोर्स, ठीक है, जो कि सेम सेम के बीच में लग रहा है। अब बात कर लेते हैं अट्रैक्शन फोर्स की, देख लो किसके बीच में लगेगा, इस न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, यानी एच ए और इस इलेक्ट्रॉन को नाम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रॉन नंबर, और किसके बीच में लग रहा है, एच बी और इलेक्ट्रॉन कौन सा आ जाएगा, वन। इनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन फोर्स। ये तो ठीक है, जब एटम क्या हुए दोनों पास पास थे तब उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लग रहे थे। जैसे ही हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल जो है
वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन दोनों जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स जहां पे इक्वल होता है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो यहां एक पॉइंट सिंपल सा लिख सकते हैं, व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्शन फोर्स इज व्हेन अट्रैक्शन फोर्स, यानी एफ ए इक्वल हो गया किसके, एफ आर के, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है, जिसको मेंशन करते हैं हम आर नॉट। ये आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जहां पे हम क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक एच ए का है और एक एच बी का है, कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है कुछ भी नहीं पता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि देखा गया कि या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं भाई, है ना, पैरेलल हो सकते हैं, तो स्पिन जो है वो इनका क्या हो सकता है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, व्हेन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल। भाई हमें नहीं पता है कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, हम तो बस जस्ट आइडिया लगा रहे हैं कि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है कि स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है, केस सेकंड, व्हेन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट। भाई कौन सी कंडीशन है, क्या है, बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब हमें अभी तक नहीं पता है। अभी तो बस इन्होंने बता दिया है कि दो एटम है, अप्रोच कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि एक उनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा क्या लग रहा है, रिपल्शन फोर्स, पर ये नहीं पता कि उसके बीच में बॉन्ड बना है या नहीं बना है। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल है या फिर हम क्या कह सकते हैं, वो एंटी पैरेलल है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, देखो ग्राफ बनाया गया एक, तो उस ग्राफ से हमें क्या जो है रिजल्टेंट मिला, तो वो कर्व जो है वो हम बना लेते हैं, इसको उसके बाद डिस्कस करेंगे। कर्व क्या बना, ये आपके आ गई लाइन, यहां आ जाएगी आपके पोटेंशियल एनर्जी, और यहां आ जाएगा एक्स एक्सिस पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, तो यहां क्या देखा गया कि दो तरह के जो है वो कर्व जो है वो मिले थे, ये बीच में हो गया आपके मिड पॉइंट, ठीक है। एक कर्व जो था वो कुछ इस तरीके से बना, ठीक है, दूसरा कर्व जो था वो कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है। तो दो कर्व जो है वो हमें यहां मिले, तो इसको हमने नाम दे दिया कर्व फर्स्ट, ये हो जाएगा आपके कर्व सेकंड, ठीक है। तो अब देखा कि फर्स्ट जो कर्व मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तब ये वाला कर्व मिला। इससे क्या कंक्लूज निकाल रहे हो कि भाई जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, भाई लीनियरली हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं
द स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, भाई सेम डायरेक्शन में है तो दिखती सी बात है यहां पे क्या होने वाला है, द स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन क्या हो जाएगा भाई, बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है भाई, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, जब रिपल्शन ज्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस भाई पहले दूर थे, जैसे डिस्टेंस क्या हुई कम हुई, तो अब देखो जहां से डिस्टेंस क्या हो रही है कम हो रही है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, ये कंडीशन आ रही है। सेकंड कर्व में देखना कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है, और एक टाइम के बाद में हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी वापस क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो केस बन रहा है, सेकंड केस जो बन रहा है, इसके अंदर लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम 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 एट ए सर्टेन डिस्टेंस विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है, जिसको अभी अपन ने पढ़ा था, क्या बोल रहे हैं आर नॉट, ठीक है, यहां लिख सकते हो इट इज द डिस्टेंस एट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये एक ऐसे डिस्टेंस है जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहां हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट केस अपने पास में आ रहा है उसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस क्या हो गया है स्क्रीन को, हेंस इट इज ए स्टेट वेयर नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है, वहीं अगर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है जहां पे हम क्या कह रहे हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है भाई, होता जा रहा है, फिर इसके बाद देखो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जैसे जैसे हम बॉन्ड की डिस्टेंस जो है वो क्या करते जा रहे हैं कम करते जा रहे हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है, तो अब और अगर हाइड्रोजन एटम को क्या करोगे क्लोज लेके आओगे तो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, द हाइड्रोजन एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, क्यों बढ़ी भाई ये इंक्रीजेस ड्यू टू
किसकी वजह से बड़ी भाई? रिपल्शन हो गया ना भाई इलेक्ट्रॉन के बीच में. रिपल्शन इंक्रीजेस ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द, क्या इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा? नहीं. किसके बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा? न्यूक्लियाई जो है उनके बीच में. भाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो रिपल्शन हो चुका है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जब न्यूक्लियाई के बीच में भी क्या होने लग गया है, रिपल्शन होने लग गए हैं. ठीक है, ये बात हो गई किसकी? जब हम कह रहे हैं कि अपने पास में दो केस आ रहे हैं, या तो हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो. ठीक है, अभी भी हमारे पास में जो है एकदम प्रूफ नहीं आ रहा है कि भाई एक्चुअल में जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा हुआ है. लिख लो, ठीक है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच इलेक्ट्रॉन इज Ha and which electron is Hb. ठीक है, तो यहां हमें पता नहीं है कि भाई बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के बाद में कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इफ द, जैसे कि अभी अपने थोड़ी देर पहले लिखा था, इफ द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू एच ए एंड एच बी इज वन एंड टू एंड वेव फंक्शन is psi a and psi b. यहाँ पे एक डेरिवेशन आने वाली है जिसका लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे. तो फर्स्ट अगर हम क्या कह रहे हैं, एंड वेव फंक्शन इज psi एंड psi b टू कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म. कौन कौन सी दो कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनती है देख लेते हैं. एच ए, जब उसका खुद का इलेक्ट्रॉन उसके खुद के पास में ही है, और एच बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो एच बी के पास में है. दूसरी जो है वो कोवेलेंट स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, जब एच ए के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन आ जाए, सेकेंड नंबर, और एच बी के पास में कौन सा इलेक्ट्रॉन आ जाए, वन नंबर. इसके लिए जो वेव फंक्शन फॉर, अच्छा इसको नाम दे देना क्योंकि आगे भी आएगी, तो ये अपने पास हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये हो जाएगी सेकेंड स्ट्रक्चर. दोनों ही किसके स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आ जाएगी दोनों, कौन से स्ट्रक्चर आ जाएगी, कोवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाएगी. अब देख लेते हैं इसके लिए जो है वेव फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है. मान लीजिए स्ट्रक्चर फर्स्ट के लिए जो है वेव फंक्शन फॉर स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, साई ए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ये है साई बी, और इसका इसके पास, ठीक है. और सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाएगा, साई ए, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ठीक है ना. एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन, ए के पास सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के पास में कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया, वन नंबर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है. तो यहाँ पे इसको नाम दे देंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये साई वन और ये हो जाएगा साई टू. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है.
लेकिन अभी भी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं आ रही अभी तक, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बता रही है क्या? नहीं बता रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए जो स्ट्रक्चर निकालेंगे वो आपके हो जाएगी लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे कि टोटल वेव फंक्शन फॉर H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई फर्स्ट एंड साई सेकेंड। जब इन दोनों का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल के लिए कंप्लीट जो है वो टोटल वेव फंक्शन जो है वो बन जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं साई टोटल इक्वल टू साई फर्स्ट, ये लिख दीजिए एक और हम लिख सकते हैं इक्वल टू C1 Psi1 प्लस C2 Psi2, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो C1 और C2 जो है क्या कह सकते हैं, मिक्सचर कोफिशिएंट है, क्या आ रहा है, मिक्सचर कोफिशिएंट आ रहा है। इफ हम क्या कह रहे हैं कि C1 जो है वो इक्वल है 1 के और C2 जो है वो इक्वल है प्लस माइनस 1 के, ठीक है, तो ये आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है वहां दो केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, साई जो है इसको हम लिख देते हैं एस से, तो Psi1 प्लस साई सेकेंड, ठीक है ना। C1 तो क्या हो गया 1 और C2 क्या हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा साई ए और ये हो जाएगा Psi1 माइनस साई 2। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ये दो इक्वेशन हमने निकाल ली है, ठीक है। तो साई एस जो है वो किसको बता रहा है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक इंटरैक्शन को, या क्या कह सकते हैं बॉन्डिंग इंटरैक्शन को। वही साई ए जो है वो बता रहा है किसको, एंटी सिमेट्रिक इंटरैक्शन, ठीक है, यह आ जाएगी आपके एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, ये क्या आ जाएगी एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, ठीक है। तो एक जो है वेव फंक्शन आ रहा है किसके लिए, सिमेट्रिक इंटरैक्शन यानी बॉन्डिंग इंटरैक्शन के लिए, दूसरा जबकि आ रहा है किसके लिए, एंटी सिमेट्रिक यानी एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन के लिए। जब ये वेव इक्वेशंस आई थी किसके लिए भी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, तो यहां हम कंप्लीटली लिख सकते हैं साई एस क्या था, Psi1, Psi1 के अंदर हम क्या लिख रहे थे, साई ए फॉर इलेक्ट्रॉन 1, साई बी फॉर इलेक्ट्रॉन 2 प्लस साई ए जिसके पास इलेक्ट्रॉन था सेकेंड वाला और साई बी जिसके पास इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट वाला, ये आ जाएगी। सेकेंड आ गई साई ए, यहाँ आ जाएगा साई ए सेम ही है 1 और यहाँ आ जाएगा साई बी 2 माइनस साई ए 2 साई बी और 1, ये आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया और ये माइनस। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साई प्लस और इसको आप क्या लिख सकते हो साई
माइनस, ठीक है, एक ही बात है, प्लस मतलब सिमेट्रिक इंटरेक्शन, माइनस का मतलब कुछ बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर, कौन सी थी भी लास्ट देख लेते हैं, ये थी आपके इक्वेशन नंबर 5 और ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर 6 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये आ गई आपके इक्वेशन किसके लिए, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके लिए। तो यहां जब इस इक्वेशन से कंक्लूजन निकाला गया तो देखा गया कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली गई, ठीक है ना, थ्योरेटिकल वैल्यूज निकाली गई, यहां पे देखना ये जो आपके कर्व आया था इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ रही है, ठीक है ना, यहां हम कह रहे हैं ये जो है वो आपके डिस्टेंस आ रही है, तो यहां के वाली जो डिस्टेंस थी इसको हमने क्या बोला आर नॉट, और ये जो आपके एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, यहां तक की, इसको हम क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, इसको तो क्या बोल देंगे बॉन्ड एनर्जी,